हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की सुपर जीत की। चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक मुकाबले में मात दे दी। 69 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में जीत हासिल की। खास बात यह रही कि इस जीत के हीरो रहे रविंदर जडेजा, जिन्होंने 62 रनों की पारी खेली, वहीं 3 विकेट भी चटकाए, जिसमें मैक्सवेल और ए बी डिविलियर्स का विकेट भी शामिल था। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए थे और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने 192 रनों का टारगेट रखा था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 170 तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन उसके बाद आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा ने बड़ी ही धमाकेदार बल्लेबाजी की और हर्षल पटेल के इस आखिरी ओवर में 37 रन बटोरे, जिसमें 5 छक्के भी शामिल रहे। रविंद्र जडेजा की इसी बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 191 रन बनाए और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान विराट कोहली कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद मैक्सवेल से उम्मीदें थी, लेकिन उनको भी रविंद्र जडेजा ने आउट कर दिया और फिर आखिर उम्मीद के तौर पर बचे हुए थे एबी डिविलियर्स, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनका भी शिकार कर दिया। इसके बाद तो रॉयल चैलेंजर्स की पूरी बल्लेबाजी तहस नहस हो गई। रॉयल चैलेंजर्स के बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के आगे कुछ खास नहीं कर पाए और चेन्नई सुपर किंग्स ने 69 रनों से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। आईपीएल सीजन 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की चौथी जीत है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहली बार इस टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।